खूबियों से मोदी हो जाते हैं बहुत खास। क्या है वो विशेषताएं जिससे मोदी दुनिया पर छा जाते हैं? क्या है मोदी मैजिक जिसके देशवासी कायल हैं? अमित शाह ने पीएम मोदी की तीन बड़ी खूबियां गिना दी। अमित शाह जो आज की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, पीएम मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं, देश के गृहमंत्री जैसे अहम पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि क्यों पीएम मोदी दुनिया में ऐसे छा गए हैं। पीएम मोदी की विशेषताएं गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि किन खूबियों की वजह से इतने खास हैं मोदी कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। पीएम मोदी का भाषण, उनके काम करने की नीति, उनकी दूरदर्शिता, संबंध बनाए रखने का उनका तरीका, मित्रता निभाने का उनका जज्बा, युवा, बुजुर्ग और महिलाओं सबको कैसे प्रभावित कर लेते हैं पीएम मोदी, ये बताया है गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है कि कैसे अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ और इसके पीछे भी मोदी को ही श्रेय क्यों दिया गया, और फिर चुनाव भी तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। इसी मुद्दे पर विशेष टिप्पणी करते हुए कार्यक्रम में अमित शाह ने पार्टी की सफलता को लेकर खुलकर बात की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शानदार जीत पर जादू को लेकर किए गए सवाल पर अमित शाह ने कहा, कोई जादू वादू नहीं है। भारतीय राजनीति में मोदी जी जैसा दूर दृष्टिपूर्ण और इतना अथाह परिश्रम करने वाला नेता न देखा है, न प्रधानमंत्री देखा है और न ही पार्टी का लीडर देखा है। मोदी जी ने राजनीतिक नेता के रूप में राजनीति के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य को प्रस्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। जाति की राजनीति हो, परिवारवाद हो या तुष्टिकरण हो, तीनों के खिलाफ बोले बगैर अपने काम से एक सकारात्मक एजेंडा सेट करते हुए देश की राजनीति को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की ओर ले जाने का पीएम मोदी ने काम किया है। अमित शाह ने फिर ये भी कहा, 2014 में युवाओं में घोर निराशा व्याप्त थी। आज हम 2024 की शुरुआत में हैं और देश का युवा उत्साह से भरा हुआ है और 2047 में भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पार्टी के नेता के नाते पीएम रहते हुए पार्टी का कोई दायित्व न होने के बाद भी उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को अपने परिश्रम से, अपने मार्गदर्शन से हमेशा प्रेरित किया है और कैडर को जस का तस रखा है। पार्टी आज अपने उच्चतम सफलता के शिखर पर है। फिर पीएम मोदी की तीन खूबियों को गृह मंत्री अमित शाह ने गिनाया है। उन्होंने कहा, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो युग दृष्टा हो, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो अथाह परिश्रमी हो, शायद ही आज कोई ऐसा नेता हो जो सार्वजनिक सूचना को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला। आगे अमित शाह ने पीएम मोदी की खासियतें गिनाने पर और जोर दिया और कहा, पीएम मोदी ने इन तीनों में खुद को पीछे रखकर पार्टी को आगे रखा, खुद को पीछे रखकर देश का नेतृत्व किया। ऐसा नेता भारत ही नहीं, दुनिया में भी नहीं है। हमारी जीत का एकमात्र और एकमात्र कारण पीएम नरेंद्र मोदी ही है। एकदम स्पष्ट शब्दों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जीत का मूल मंत्र समझा दिया है, बीजेपी को जिताने वाले का नाम बता दिया है। तीन राज्यों में बीजेपी की हुई बंपर जीत पर अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने 10 साल में लगभग 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है, 60 करोड़ लोगों को बेसिक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इन तीन राज्यों में मिला है। हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण लाभार्थियों की एक बड़ी फौज है। गवर्नेंस के इस नए कॉन्सेप्ट ने पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाया है। वहीं इसी के साथ ही, इसी जज्बे के साथ ही, इसी जादू के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में भी झंडे गाड़ देने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में जीत बीजेपी की ही होगी, बीजेपी जीत की हैट्रिक जरूर लगाएगी। अमित शाह ने साफ कहा, मोदी का देश ही नहीं दुनिया में कोई सानी नहीं है, उनके नेतृत्व में ही बीजेपी अगला चुनाव लड़ने जा रही है। मोदी की सिर्फ लोकप्रियता नहीं है बल्कि लोगों की मोदी के प्रति श्रद्धा है कि ये व्यक्ति देश को महान बना पाएगा। लोकप्रियता इधर उधर होती रहती है लेकिन श्रद्धा नहीं। फिर गृह मंत्री ने कहा, मोदी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने दल के लिए कुछ नहीं किया, जो किया सिर्फ देश के लिए किया। कठोर फैसले लेने पर कार्यकर्ता कहते थे कि वोट बैंक कट हो रहा है, लेकिन देश के अंदर परिवर्तन के लिए जब ये फैसले जरूरी होते हैं तो मोदी ने वोट बैंक की परवाह नहीं की, देश की जनता को सामने रखकर कठोर फैसले लिए।
और ये तो हमने आपने देखा ही है कि कठोर फैसले लेने में मोदी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कड़े फैसलों में मोदी को जनता का साथ मिला है। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा रहा है। वैसे आप अमित शाह की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ये पीएम मोदी की कर्तव्य निष्ठा ही है, ये पीएम मोदी की कार्यकुशलता ही है जो आज वो देश को ऊंचाइयों पर ले गए हैं और खुद के नाम को आगे ना करते हुए देश को विश्वगुरु बनाने की राह पर ले चले हैं? आप अमित शाह की बातों से कितने सहमत हैं कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।